जानबूझ के किया है और उसको उसका जो वर्डिंग है वर्डिंग भी ऐसा सेट किए कि उसको पता नहीं सोचते हैं कि ये प्रभाव हो जाता है। जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध आएगा उसको बताने से आपको असली प्रभाव ही लगता है। तो उसका जो संस्कृत है वो उसने बहुत डिफिकल्ट तरीके से उसको संधि बोलते हैं संस्कृत संधि और समास इकट्ठा किया है। तो वो बोलना बहुत मुश्किल होता है और गाड़ी ने तो ये करने से क्या हो रहा है कि पतंजलि का समझना बहुत मुश्किल होता है और इसको करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो इतना टाइम तो दे तो नहीं दे देते हैं मेरा पता क्या होगी पतंजलि समझना डिफिकल्ट तो है आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी मैं आपको क्या किया है कि हर एक उपनिषद में अलग अलग शब्द आते हैं।
उपनिषद पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 100 के उपनिषद पढ़ने के लिए पूरा जन्म भी नहीं पूरा होगा, और उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो आधे वालों होने के कारण एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, जैसे मैंने कोई हिंदी नहीं आती है तो आपसे बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या किया है कि फर्स्ट स्टेज में उपनिषद के बाद जो कुछ ऐसे कुछ स्कॉलर थे उन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम तैयार किया, उपनिषद का जो नॉलेज है उसको एक्सटेंड करके एक सिस्टम किया है। तो उपनिषदों का सार क्या होता है, उपनिषदों का सार सब कुछ भगवद्गीता में आता है, भगवद्गीता उपनिषद का सार है, इसीलिए वो होता है सर्वोपनिषद भावो योद्धा गोपाल नंदना। तो उपनिषद में जो दिया है उसमें सार में यह आता है कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा नाम की चीज है, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका ज्ञान होने से मनुष्य को सब कुछ पता चल जाता है, और उसके बाद वो आत्मा जो है वो बंधन में पड़ी है, इसीलिए वो दुख भोगते रहता है। जब तक वो मन और शरीर में है तब तक वो उसका दुख होगा ही, लॉर्ड कृष्ण को भी दुख होगा मन और शरीर में आने से। तो मन और शरीर से बाहर आना है और फिर मन शरीर में नहीं आना, उसको मोक्ष बोलते हैं। तो सब उपनिषद का जो सार होता है ना उसमें आपको मोक्ष पाना है। तो ये मोक्ष पाने के लिए थर्ड स्टेप में क्या हुआ है कि भारत के कुछ बहुत ही जो स्कॉलर लोग थे उन्होंने ये सब उपनिषद का पढ़ाई करके उसमें से 6 शास्त्र लिखे, और हर एक शास्त्र में वो मोक्ष कैसे माना है ये लिखा है, वो मोक्ष को कैसे माना है ये लिखा है। तो उसमें से एक योग शास्त्र है, और योग शास्त्र में मोक्ष को नाम दिया है कैवल्य। तो कैवल्य जो नाम है उसका सेम है मोक्ष की है, और उसको मानने के लिए क्या करना है वो योग शास्त्र में है, न्याय शास्त्र में आदर दिया है, वेदांत में आदर दिया है, ऐसे 6 शास्त्र है, और उसके बाद बुद्धा भी आता है। मालूम होना चाहिए
आपका जो गड़बड़ हो रहा है, आपका मन शांत कर।
पतंजलि का
जैसे बिल गेट्स है ना वैसा हुआ है, तो उसका एक कोर्स है तो वो पतंजलि पढ़ाता है, और वो बताते पतंजलि पढ़ने के कारण मैं मल्टी मिलियन डॉलर हुआ हूँ, और आपको वैसा ही ऐसा कोर्स किसी कर रहे हैं, तो उसको ये नहीं मालूम कि वो उसको जो दुख मिल रहे ना वो नहीं लोगों को बता रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है उसके पास बहुत दुख है, तो वो पहले क्या बताता था कि मेरे पास बहुत पैसा है तो $2 है, और अभी वो जो दुख है वो नहीं बता रहे लोगों को, वो क्या बता रहा है कि ये सब लोग मेरे को ये फालतू चीज बता रहे हैं, मैं तो बहुत सुखी हूँ बट एक्चुअली बहुत दुखी है। तो जिसको दुख लगता है ना उसी के लिए पतंजलि का स्टडी करना है, नहीं तो वो एकेडमिक स्टडी हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको पतंजलि का थोड़ा सा रूपरेखा बताया, तो योग चित्त वृत्ति निरोध का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तो चित्त जो होता है ना वो मन बुद्धि और अहंकार से बनता है। इसका मतलब हमारा जो आप देख रहे हैं ये सब शरीर है, शरीर में जो कुछ हो रहा है जैसे स्पर्श हो रहा है, स्मेल हो रहा है, देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब इंद्रियों में जाता है। तो लोगों को क्या लगता है कि ये इंद्रिय है और ये दूसरा इंद्रिय है, और ये तीसरा इंद्रिय, ये इंद्रिय नहीं है, ये बॉडी है, इसके पीछे एक इंद्रिय होता है। जैसे शरीर और मन जो होता है ना तो मन का एक पार्ट होता है, मन का एक पार्ट को इंद्रिय बनते हैं, जैसे देखने का इंद्रिय, ये देखने का इंद्रिय नहीं है, देखने का इंस्ट्रूमेंट है। आपको जो लाइट आ रही है तो ये मैं देख रहा हूँ, जब जो लाइट आ रही है वो मेरे हाथ में गई है, आपसे वो नर्वस सिस्टम में गई है, नर्वस सिस्टम से ब्रेन में गई है, अभी तो कोई इंद्रिय में नहीं गई है, ब्रेन के पार्ट वो मन में जाने का ट्राई कर रही है। तो मन में जाने के लिए उसको कुछ इंद्रियों से जाना पड़ता है, और वो इंद्रिय जो है ना वो मन का डोर है, उसको चक्षु मन चक्षु बोलते हैं। ये जो चक्षु है वो पतंजलि में नहीं है, वो इंद्रिय नहीं है, वो ये सिर्फ चक्षु शरीर का भाग है। तो आपको ये वो जो इंद्रिय जो है ना वो मन का भाग शुरू होता है, से उसके बाद रियल मन शुरू होता है। जैसे इंद्रियों से कुछ भी अंतर जाएगा, अंदर जाने के बाद जो जाता है उसको ज्ञान बोलते हैं, या आप इंग्लिश में न्यूज बोलेंगे या इंफॉर्मेशन बोलेंगे, वो अंदर जाने के बाद वो वैसे ही नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ उससे करेगा, सोचेगा ये करेगा, उसमें उसको मन बोलते हैं जो सोचता है। उसके बाद वो मेमोरी में जाता है, उसके बाद बुद्धि होती है, वो बुद्धि निर्णय लेती है क्या करना है। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है ना इसका जो मिश्रण है इसको चित्त बोलते हैं। तो चित्त वृत्ति का जो मतलब होता है ना वो अभी जो हो रहा है बाहर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये चित्त वृत्ति नहीं है। चित्त वृत्ति मतलब वो अंदर जो हो रहा है, मन के अंदर जो हो रहा है उसको चित्त वृत्ति बोलते हैं। और अभी आपको आत्म साक्षात्कार के होगा तो पूर्व जन्म के जो संस्कार है ना वो चित्त वृत्ति में जाते हैं। तो योग चित्त वृत्ति का मतलब मैंने जो को मेरे को मालूम है किसकी पूजा होती है, और फ्राइडे को देवी की पूजा करते हैं,
छोड़ता ही नहीं आपको। तो धारणा जो होती है उसके पहले आपको एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिस पर आपको मेडिटेट करना है। तो आपको पहले मेडिटेशन करना ही नहीं है, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है। जैसे आप 10 लड़कियों को देखते हैं तो किससे शादी करना है पहले मालूम होना चाहिए। 10 लड़कियों से शादी नहीं कर सकते ना, नहीं तो एक दिन इसके साथ शादी जिसके साथ ऐसा क्यों होता है, एक ही शादी करते हैं। तो आपको एक ऑब्जेक्ट पूरा मालूम होना चाहिए जिसके आपको मेडिटेट करना है। उसके बाद आप मेडिटेट स्टार्ट करेंगे और वो मेडिटेशन हमेशा करने का दिल करता है, सिर्फ एक घंटा के लिए नहीं, हमेशा उसको आपका लगना चाहिए कि इस पर ही मेडिटेशन करना है, आपको 24 घंटा मेडिटेशन करना है, तब ध्यान शुरू होता है। तो तत्र प्रत्यय एक लगता ध्यानम 3.2 तो क्यों दिया है कि उस पर कंटिन्यूअस मेडिटेशन होना चाहिए। और यह होने के बाद कभी कभी क्या होता है, बीच बीच में हम भूल जाते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और सो नहीं रहे, सोने से भूल जाएंगे, सोना नहीं है, बिना सोते हुए भूल जाते हैं कि मेडिटेशन कर रहे। तत्र प्रत्येकता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि। इसके बाद जब वो भूल जाते हैं कि मेडिटेशन कर रहे और सिर्फ जिस पर मेडिटेशन हो रहा है वही तुम्हारे मन में रहता है ना, तब उसको फर्स्ट लेवल समाधि बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल समाधि। तो ये पहली ये जो समाधि है वो आपको मास्टर करना है। ये समाधि मास्टर करने के बाद वो समाधि को फिर अभ्यास करना है, वो समाधि का उसमें 7 स्टेजेस में जाएंगे। 7 स्टेजेस के बाद आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार होने से आपको समाधि कंप्लीट हो गया, समाधि स्टडी कंप्लीट हो गया। तो ये समाधि पहला गोल है पतंजलि का। ये समाधि होने के बाद आप सिर्फ मन के अंदर जाते हैं। तो ये कहा गया है आपको बताता हूं, तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य इव समाधि त्रयमेकत्व संयम तज्जया प्रज्ञालोकन। इसका मतलब वो समाधि को मास्टर करना है और समाधि के बाहर आना ही नहीं है। इसका मतलब शरीर इंद्रिय वगैरह पूरा भूल जाना चाहिए और सिर्फ मन में रहना है। और जब हम पूरा मन में रहते हैं ना तब हमको रियल चित्तवृत्ति पता चलता है। अभी तक जो किया है वो चित्तवृत्ति जरूरत नहीं है, उसके अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं लास्ट जन्म में मर्डर किया था, दूसरा जन्म में मैंने किसी को कुछ किया था, ऐसा पता चलेगा। बाहर का हो गया है, वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बट वो करने के बाद जब समाधि मिलेगी
इसीलिए पतंजलि में योग सूत्र की जरूरत, ये पहला सूत्र होना ही नहीं चाहिए, वह लास्ट चैप्टर में जाना चाहिए। इसीलिए भी इसमें पूरा पतंजलि का रियलाइज किया है, क्योंकि पतंजलि ने जब बताया होगा ना तो वो और ही बताया होगा ना, तो किसी ने लिखा है वो 2000 ईयर्स से उसका सब ऑर्डर बदल के, उसका ये बदल के सब कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि प्रिंटिंग ही किया है उस समय। तो आपको पतंजलि कैसे पढ़ना है, कहाँ से आया, और योग सूत्र का तो मैं मतलब पता है। अभी मैं आपको शॉर्ट में पतंजलि बताता हूँ क्या उसका सिस्टम है। इसके पहले किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या, किसी को कुछ पूछना है? यही उसका पहला स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको पता तो कोई लोगों को लगता है मेरा मन नहीं भाग रहा है, मैं बहुत पहुंचा हुआ चीज हूँ ऐसा लगता है। जैसे कोई लोग है ना, उनके पास कोई पैसा नहीं है, पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, 5 रुपया है, पर बात कर रहे हैं 1 लाख की, वो रियल स्टेट में जा रहा है कि मेरे को 1 लाख देखना है, 1 लाख देखना है, पर इसमें सिर्फ 5 रुपया है। तो आपको ये पता चला है कि आपका मन भटक, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसीलिए मैं आपको बताया कि पतंजलि में जिसको पतंजलि का पूरा स्टडी करना है ना, उसके लिए इसमें दुख लगना चाहिए। दुख नहीं लगता है तो पतंजलि स्टडी नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, मेरे को और 4-5 लड़के चाहिए, उनका शादी होना चाहिए, उसके बाद बोर्ड आना चाहिए, ये आना चाहिए, बड़ा 10 बेडरूम घर होना चाहिए, ऐसा आपको अच्छा अच्छा लगता रहेगा ना, तो पतंजलि का स्टडी नहीं होने वाला है, तो घर का स्टडी होने वाला है। तो आपको ये पता चले है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए इनको अभी पतंजलि ने क्या किया, मैं आपको बताऊँ। पतंजलि ने जो मन का कंट्रोल किया है ना, वो सामान्य चीज के लिए नहीं किया है, वो समाधि के लिए किया है। फिर भी उसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे वो आपको पैसा के लिए कर रहा है, बट आप कर सकते हैं उसका यूज। बट पतंजलि ने नॉर्मल आपका जो लाइफ है ना, वो इजी करने के लिए वो कंट्रोल नहीं बताया है, समाधि के लिए वो कंट्रोल बताया है, फिर भी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको नॉर्मल चीज के लिए जो कंट्रोल है ना वो बताता हूँ। नॉर्मल चीज में जो आपको मन का कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके लिए आप पतंजलि छोड़ दीजिए, पतंजलि का आकर्षण हो उसके लिए। आपको जो नॉर्मल प्रॉब्लम आ रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, तो उसमें पहला स्टेप क्या है कि आपका मन कहाँ जा रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए, और क्यों जा रहा है, कुछ कारण जरूर होगा। जैसे आपका मन हमेशा अमेरिका में जा रहा है, इसका मतलब क्यों जा रहा है कि मैं टीवी में देख रहा हूँ उसको, रोड बहुत क्लीन है और सारे का कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, और वो बोलते समय हमेशा टॉप बात करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे पास तो कार नहीं है, हमारा रोड बहुत खराब है, इसका मतलब अमेरिका बहुत अच्छा है, मेरे को उधर जाना है। तो अभी आपको पता चला कि आपको अमेरिका में अट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि वो आपने टीवी पर देखा है, उसके बाद आपका जो पड़ोसी है वो अमेरिका में पढ़ रहा है, वो उधर से बता रहा है कि मैं आज बहुत आइसक्रीम खाया, 1 किलो आइसक्रीम खाया, बहुत 1 रुपया में मिला, इधर तो 1 रुपये में नहीं मिलता है 1 किलो आइसक्रीम। तो आपको कहाँ से कहाँ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल के आपका अट्रैक्शन निर्माण हुआ ना अमेरिका में, तो आपको पता चला कि मेरा मन अमेरिका में क्यों जाता है, इसके कारण जा रहा है। तो अभी इसके लिए आपको दो चीजें, आपको डायरेक्टली जितना पैसा आपके पास है ना उसका खर्चा करके अमेरिका में चले जाओ, और उधर जाके रियली देखो कि आइसक्रीम 1 किलो में मिलता है क्या 1 रुपया में, और उसका रोड जो क्लीन है उधर क्या चल रहा है, रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं, ये सब आपको पता चलने से पता चलेगा कि इतना कोई बात है ज्यादा डिफरेंस है। यस, रोड क्लीन है, आइसक्रीम 1 रुपये में मिलता है, बट बाकी प्रॉब्लम भी बहुत कुछ है, प्रॉब्लम भी बहुत कुछ है। जैसे एक लड़का है, उसकी जो वाइफ है उसका दूसरे के साथ आते हैं, वो इधर बहुत कम है पागा में, उधर बहुत ज़्यादा है। आपको ये पता है टेनिस ही नाम का जो स्टेट है ना, टेनिस ही वो टेनिस का स्टेट में हर एक शादी 80% है। जैसे 100 लोगों का शादी होगा तो पहले 5 वर्ष में डेफिनेटली डिवोर्स होता है, 80% डिवोर्स रेट है टेनिस में। मैं जा रहा था वर्जीनिया, उधर 40% है,
वर्जीनिया में बहुत रिलीजियस समझा जाता है। वर्जीनिया अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बहुत रिलीजियस समझा जाता है, उसके तो 35 से ज्यादा आंकड़े हो गए। तो मैं क्या बताता हूँ कि ये आपको पता जब चलेगा ना, तो आइसक्रीम का इंडक्शन कम हो जाएगा ना, नहीं तो आप पैसे बन जाएंगे, आप पैसे बन जाएंगे, नहीं तो आपका इंडक्शन कम होगा, आप पैसे बन जाएंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं, उसमें आइसक्रीम में अट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको मन को पता चलेगा कि आइसक्रीम से ज्यादा ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो आपको मन भटकेगा नहीं। दूसरा ये है कि आप जा नहीं सकते अमेरिका में, तो आपको ऐसा कोई आदमी होना चाहिए जैसे मेरे जैसा, जो उधर डेफिनेटली गया है और वो आपको सच बताने वाला है, फालतू नहीं बताने वाला है, ये नहीं पता देने वाला है कि मेरा भी एक तरीके से आप कहता है, ऐसा पता सकना चाहिए, इतना सच होना चाहिए। तो ऐसा कोई आदमी आपको बताएगा ना, तो आपका वो जो मत भटकना है अमेरिका का वो खत्म होगा। तो आपका जो नॉर्मल भटकना है, नॉर्मल चीज में जो भटकना है, जैसे ट्रैफिक में जाता है, एंगर आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है एंगर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप बिना ट्रैफिक नहीं दे सकते, तो आपको कम करना है। तो इसके लिए पता चलेगा जरूरत नहीं, फिर आप पता चलेगा यूज कर सकते हैं, आपको पता चला ना आपका आंसर। अभी मैं पता चलेगा सिस्टम आपको बताता हूँ, पता चलेगा भी क्या क्या है, एक स्टेप दिया है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यम करना है। तो यम का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। तो यम में आपको खुद को कंट्रोल करना है, दूसरों को कुछ नहीं कर देना है। हम वो देखेंगे ना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परित्याग परिग्रह और वो सब खुद को करना है, दूसरों के लिए कुछ नहीं है, दूसरों को आपको अहिंसा कुछ नहीं करना है, खुद को करना है। तो उसको यम क्या बोलते हैं, यम का मतलब नहीं करना, जो चीज नहीं करना है उसको यम बोलते हैं। तो ये सब चीज नहीं करना है, हिंसा नहीं करने का है, असत्य नहीं करने का है, और ब्रह्मचर्य नहीं करने का है, ब्रह्मचर्य ही रखने का है। तो ये जो पहला सिस्टम है उसमें कुछ जो चीज नहीं करना है ना वो बताया है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आपको कितना डिफिकल्ट है वो बता रहा हूँ। पहला जो यम है ना, उसका नाम है अहिंसा। अभी तक मैंने पूरा अहिंसा वाला एक ही दो आदमी देखे, उसमें महात्मा गांधी नहीं आते। अहिंसा जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसने क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ, उसने ये नेक्स्ट लाइन में बताया कि अहिंसा करने से क्या होना चाहिए, उतना होगा तब तो अहिंसा कंप्लीट होगा। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश लोगों से झगड़ा नहीं करना, वो अहिंसा वो अलग हो गया, पॉलिटिकल अहिंसा। अहिंसा का मतलब है अहिंसा प्रतिष्ठाया तस सन्निधौ वैरत्याग, उसका मतलब जिसको नॉर्मल एनमिटी होती है, जैसे सिंह है वो नॉर्मली अटैक करता है, या हिटलर है वो नॉर्मली जो को मारने वाला है,